नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको और एक नई बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो बात करते हैं आज गारेनाल सिरप के बारे में, जो कि ज्यादातर एपिलेप्सी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो मिर्गी का दौरा होता है, यानी कि जो फिट्स होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर देर नहीं करते, चलते वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। तो ये सिरप को आबर्ट नाम का कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करता है। तो इसके मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो इसमें फेनोबारबिटन रहता है, जो कि 20 mg पर 5 ml इसमें अवेलेबल रहता है। तो इसकी मार्केट की प्राइस की अगर बात करूं तो 47-49 ऐसे कुछ रुपए में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, जो कि आपको प्रेस्क्रिप्शन दिखाने पर ही मिलता है। दोस्तों इसको ज्यादातर बच्चों के लिए ही यूज किया जाता है, एडल्ट के लिए भी यूज किया जाता है, पर ज्यादातर देखने को मिला है कि ये सिरप को पेडियाट्रिक डॉक्टर जो होते हैं वो ज्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पेडियाट्रिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसको भी एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है ये ट्रीटमेंट ये सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की परमिशन से। तो जानते हैं कि फिट्स क्या है, एपिलेप्सी क्या है। तो अगर ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो तब फिट्स आने का चांस रहता है। अगर कुछ मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है तब भी फिट्स आने का चांस रहता है। ये काम कैसे करता है दोस्तों, पहले बता दो आप सबको कि ये जो सिरप है ना, हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज भी रहता है, जो कि क्या करता है ना, आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको ये स्लो करता है, ताकि आपको जल्दी नींद आ सके। जब एपिलेप्सी होता है ना, तब कुछ मतलब सिम्टम्स ऐसे ब्रेन में देखने को मिलता है, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाना, या फिर कंट्रोल ऑफ जैकिंग मूवमेंट, लॉस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस का लॉस हो जाना, उसके साथ साथ फियर ऑफ एंजाइटी, ये सब देखने को मिलता है। ये सिरप क्या करता है ना, ये जो सिम्टम्स को ट्रीटमेंट करता है, बाहर निकाल देता है। जानते हैं कैसे, क्या करता है ना ये जो सिरप, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि है गाबा, GABA, गाबा। दोस्तों गाबा जो मैसेंजर है वो क्या है ना, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड, गाबा नाम की केमिकल मैसेंजर को इंक्रीज करता है, जो कि आपकी सेल में जो अबनॉर्मल एक्टिविटी होता है या फिर जो एक्सेसिव एक्टिविटी होता है उसको ये कम कर देता है। दोस्तों बात करते हैं डोज के बारे में। डोज ये बोतल के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख के यूज कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको जिस तरह से डोज यूज करने को बोले उस तरह से करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के या फिर आपकी एज देख के उसके हिसाब से डोज आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर माना जाएगा। बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों साइड इफेक्ट कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि ड्राउजीनेस आ सकता है, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कंफ्यूजन लग सकता है, डिजीनेस लग सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकता है। ऐसा कुछ अगर साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और ये सिरप को तुरंत बंद कर दीजिए, जब तक आपकी डॉक्टर दोबारा नहीं बोले यूज करने के लिए। ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन गारेनाल सिरप के बारे में। गारेनाल की टैबलेट भी अवेलेबल रहता है मार्केट में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की एडवाइस से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।